एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपका स्लीपर, एसी, थर्ड एसी किसी में भी ट्रेन टिकट है काउंटर से या तो ऑनलाइन बुक किया है तो आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो उसका कितना चार्ज कटेगा, कितना क्या होगा, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको ऐसी वीडियो तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास का 48 घंटा पहले कैंसिल करते हैं तो उसका 240 रुपये कटेगा, और सेकेंड एसी और फर्स्ट क्लास का बुक कैंसिल करते हैं तो उसका 200 रुपये चार्ज कटेगा, और अगर थर्ड एसी और एसी चेयर और इकोनॉमिक क्लास का कैंसिल करते हैं 48 घंटा पहले तो 180 रुपये उसका चार्ज कटेगा, और स्लीपर क्लास का कंफर्म टिकट अगर आप 48 घंटा पहले कैंसिल करते हैं तो उसका 120 रुपये चार्ज कटेगा, और सेकेंड क्लास का अगर कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं 48 घंटा पहले तो 60 रुपये कटेगा। और इसी प्रकार, अगर आप फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास का 48 से 12 घंटे के बीच कंफर्म कैंसिल करते हैं तो 25% चार्ज या तो 240 रुपये कटेगा। और इसी प्रकार, अगर सेकेंड एसी और थर्ड फर्स्ट क्लास का 48 से 12 घंटे के बीच में कैंसिल करते हैं तो 25% या तो 200 रुपये चार्ज कटेगा। और इसी प्रकार, अगर थर्ड एसी, एसी चेयर और एसी थर्ड इकोनॉमी कैंसिल करते हैं 12 से 48 घंटे के बीच में तो आपका 180 रुपये या तो पूरे भाड़े का 25% कटेगा। इसी प्रकार, अगर स्लीपर का करते हैं 48 घंटे से 12 घंटे के बीच में तो 25% पूरा या तो 120 रुपये चार्ज कटेगा। और अगर आपका सेकेंड क्लास में 48 घंटा पहले करते हैं 48 घंटे से 12 घंटे के बीच में तो उसका 60 रुपये कटेगा। इसी प्रकार, अगर आप 30 मिनट पहले करते हैं, अगर आरएसी में है या तो वेटिंग लिस्ट में है तो उसका हर में 60 रुपये और सेकेंड क्लास में 30 रुपये चार्ज कटेगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि कैसे आप लोगों का कितना चार्ज कटता है थर्ड एसी, फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी और सेकेंड क्लास में। तो इस प्रकार, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।